वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और मेरी आंखें छोटी छोटी हो जा रही है क्योंकि अभी मैं छत पे हूँ। जो भी हो, मस्त फूल देखो और शुरू करते हैं आज की हमारी मछली की कहानी। बहुत कुछ ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव, बहुत कुछ अच्छा बुरा, बहुत कुछ हुआ है। शुरू करते हैं अपडेट। ऑलराइट, तो दो दिन बीत चुके हैं एंड बहुत लोग मेरे को सजेस्ट कर रहे थे कि इसमें गप्पी ग्रास डालो, बिकॉज इससे आपका जो भी बेबीज़ के बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज ये मेल जो है वो खा सकते हैं अपने बेबीज़ को। सो इसके लिए मैं यहाँ पे गप्पी ग्रास लेके आ चुका हूँ एंड हाइडिंग स्पेस आई थिंक सो इतना लगा देने से फ़िलहाल के लिए ये बढ़ेगा एंड जब तक इनके बेबीज़ होंगे हमारे ये गप्पी ग्रास थोड़े से और बढ़ जाएंगे। मैंने लाइट को भी थोड़ा सा नीचे कर दिया ताकि ये गप्पी ग्रास और बाकी सारे प्लांट्स आराम से उगे। ये गप्पी ग्रास यहाँ पे रहेगा। मैंने कुछ हॉर्नवर्ड भी डाल दिए हैं, रूट्स भी बढ़ेंगे। डे 3 एंड इन्हें मैं कुछ सिंकिंग पैलेट्स खिलाता हूँ। मॉस्किटो लार्वा रात के टाइम मैं इन्हें दे रहा हूँ। सो ऐसे ऐसे इनके फीडिंग्स हो रही है। आई डोंट नो, पता नहीं रीज़न क्या है इसके मरने का, बट वन ऑफ द मेल इज़ डेड। दिस इज़ डे 4। आई डोंट नो द स्पेसिफिक रीज़न ये कैसे हुआ, बट वी लॉस्ट वन मेल। डे 5 एंड मेरे को यहाँ पर बहुत सारी गंदगी दिख रही है। सो जस्ट बाई चांस, इन केस मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर कि इनका डेथ आई थिंक सो ओवर क्राउड के वजह से हो रहा है। जस्ट सपोज़ कि ये ओवर क्राउड की वजह से हो रहा है, उसके ऊपर मैं एक स्टेप लेने वाला हूँ। सो एक्चुअली मैंने डिसाइड किया है कि इसमें से मैं एक मेल और दो फीमेल्स को ऊपर वाले टब, यानी कि इस वाले टब में मैं शिफ्ट कर दूंगा। मैं यहाँ पे ये श्योर नहीं हूँ कि इसका इनके डेथ का रीज़न यही हो सकता है, बट स्टिल इन्हें सेपरेट रखने में फ़ायदा ही मेरे को दिख रहा है, कुछ लॉस है नहीं। सो आई थिंक सो यहाँ पे मेरे को एक मेल को पकड़ लेना चाहिए, दिस विल बी फाइन। सो इसे मैं इसमें आराम से शिफ्ट कर सकता हूँ। ये फीमेल नेट में आ चुकी है, इसे हम शिफ्ट कर देते हैं ऊपर में। इन दोनों का वाटर का टेम्परेचर और सारी चीज़ें एक ही थी तो मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा। ऑलराइट, सो डे 8। सो यहाँ पे जो आप फीमेल को देख सकते हो, इसकी मूवमेंट मेरे को थोड़ी सी अजीब लग रही है, ये बहुत स्किनी हो चुकी है। सो मैं सोच रहा हूँ कि इसको ट्रीट किया जाए। आई थिंक सो मेरे हिसाब से इसको वॉर्म्स वाला प्रॉब्लम हो चुका है, मतलब इसके पेट में कीड़े हो चुके हैं जिसके वजह से इसको न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं रहा। सो मैं इसको ट्रीट करूँगा सेपरेट टब में, हालांकि मेरे पास टब है जिसमें वाटर और सारी चीज़ें एक ही जैसी हैं, तो इसको ट्रीट करने में मेरे को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। सो ये वाली गप्पी आई थिंक सो प्रेग्नेंट है, आई एम नॉट श्योर यहाँ पर ये बात को लेके, बट स्टिल मैं एक्सपेक्ट करूंगा। सो मेरे को इसको जल्द से जल्द यहाँ पे देना पड़ेगा हाइडिंग स्पेस ताकि इसके बेबीज छुप पाए। इसे मैंने यहाँ पे मूव कर लिया एंड एक्चुअली मैं इसके फीडिंग हैबिट को सही करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं क्या करने वाला हूँ पता है? एंड जहाँ तक बात रहा इन सारे फिशेस का, ये सारे अभी हेल्दी हैं, ऑल्दो इन्हें भी मैं डीवॉर्म करूंगा, लेकिन इसका लेवल ज़्यादा रहेगा जस्ट बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये स्किनी होने के बजाय थोड़ी सी हट्टी तगड़ी खा पी के मोटी होनी चाहिए। तो मेरे को ये दिक्कत दिख रही है इस फिश में, तो मैं इसे सेपरेट ट्रीट करूँगा। इनको भी मैं दूंगा वो चीज़, एक इंग्रेडिएंट स्पेशल रेमेडी जिसे मैं बनाने वाला हूँ अभी फ़िलहाल, तो उसके लिए मेरे को चाहिए कुछ चीज़ें। यहाँ पे है मेरे पास आधा गार्लिक, लहसुन का कमाल हम लोग देखने वाले हैं डीवॉर्मिंग के लिए एंड मैं इसमें कुछ खाना मिलाने वाला हूँ। सो सारा कमाल यही करेगा, इस लहसुन को मेरे को क्रश कर देना। क्रश कर दूँ भाई, इसके सारे जितने भी जूस है मेरे को निकाल लेना है। मेरे को लेना है इसमें थोड़ा सा पानी, मैं टब का ही पानी लूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, चिंता मत करो। मैंने अच्छे से धो लिया है इसको तो दिक्कत वाली बात होगी नहीं। ऑलराइट, सो इसमें गार्लिक के एकदम खुशबुएँ फैल रही हैं, इसमें डाल लेते हैं हम थोड़ा सा फीड। जी आई थिंक सो ज़्यादा हो गया, नहीं चल जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंटली वाटर चेंजेस भी मेरे को करने पड़ेंगे, यानी कि रोज़ मेरे को कुछ परसेंट पानी निकाल के, 10-20% निकाल के पानी चेंजेस करने पड़ेंगे। इसमें मैंने जैसे प्लांटिंग की है वैसे ही मेरे को इसमें अब प्लांटिंग करना है, तो मैं थोड़े बहुत इधर उधर के प्लांट्स लेके आ चुका हूँ टैंक में से एंड इसमें प्लांट करके फिर नेक्स्ट वाले टब में, यानी कि इस वाले में हम प्लेस कर देंगे। ऑलराइट, सो प्लांटेशन डन, इसे डिप करना है एक बार और उसके बाद हम लोग डालते हैं टब में। ओके, सो सारे प्लांट्स टब में शिफ्ट हो चुके हैं, टब के साथ छोटे से टब में। आई नो मैं अभी इनके इधर उधर शिफ्टमेंट बहुत ही ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन इनको कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा बिकॉज इन सब का वाटर टेम्परेचर और वाटर क्वालिटी, पीएच वगैरह सब सेम है एंड इसमें का पानी मैंने घटा के उसमें भर दिया। सो इस हिसाब से इन्हें कोई भी यहाँ पे स्ट्रेस या फिर तकलीफ नहीं मिलने वाली है। हाँ, थोड़ा सा
मुसीबत लगेगा इनको इधर उधर करने में, मेरे को नहीं, इनको इधर उधर जाने में थोड़ा सा मुसीबत लगेगा, बट बाय द वे दे आर फाइन। एंड वो गई दोनों, मेल और फीमेल एक जोड़ी। सो यहाँ पे ये ना ही मॉस्किटो लार्वा खा रही है और ना ही खाना खा रही है। ऑलराइट एवरीवन, डे 10, बट अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट आवर फिश, जिसे मैं ट्रीट कर रहा था पहले दिन, तो वो अब डेड हो चुकी है। बाय बाय बडी। ऑलराइट, सो फीड करते हैं इन्हें हम। सो एक्चुअली ये टेट्रा वेट्स है जो कि सिंकेबल है, इसके साथ मैंने गार्लिक मिक्स किया एंड देते हैं इन्हें फिलहाल तो इस वाले टब में। ऑलराइट एवरीबॉडी, डे 12, Finally we have babies. Okay, so यहाँ पे आप लोग बहुत सारे बेबीज को देख सकते हो, मे बी अभी नहीं देख सकते हो, मैं ढंग से दिखाता हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे बेबीज है जो कि यहाँ पे तैर रहे हैं एंड ये मदर अपने बच्चे को खाने की कोशिश कर रही है, तो मैं इन्हें फटाक से यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, ओनली बेबीज इसमें रहेंगे। मैं इनके पेरेंट्स को मैं यहाँ पे रिमूव कर चुका हूँ। यहाँ पे देखते हैं कितने सारे बेबीज हैं। अभी थोड़ा से डरे हुए लग रहे थे जब उसकी मम्मी पापा उसको खाने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पे एकदम कीड़े की तरह, एकदम लिटरली कीड़े की तरह ये फैले हुए हैं। ये वाली फीमेल भी आई थिंक सो मेरे को लग रहा है ये प्रेग्नेंट है, तो इसे हम लोग नेक्स्ट रिमूव करेंगे उस वाले टब में। डे 13, इस वाली फीमेल को हम लोग साइड कर लेते हैं, ये श्योर है कि ये फीमेल फुल्ली लोडेड है, तो इसे हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं इस वाले में। डे 16 एवरीबॉडी, एंड मैं इन्हें खाना देने आया था, मतलब इन छोटी छोटी मछलियों को, एंड ये थोड़ी सी साइज में बड़ी हो चुकी हैं। इनको मैंने अभी फिलहाल खाना दिया है, इनको मैंने नहीं दिया। एंड इस टब में मैंने जब देखा, एंड इसको मैंने पार्टनर दे दिया था बिकॉज इसको लोनली लोनली फील आ रहा था, तो मैंने इसको एक पार्टनर दिया। एंड आज मैं जब अभी आके देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को और भी बहुत सारे बेबीज दिख रहे हैं। यही मज़ा आ गया, और बहुत सारे बेबीज हो गए एंड ये पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं खा रहे, बट स्टिल मैं इन्हें रिमूव करके खुद खिलाऊंगा खाना अपने हाथों से। सो मेल यहाँ पे है, देख लेते हैं कोई और बच्चे को मैंने नहीं ना पकड़ा, इसे करते हैं शिफ्ट यहाँ पे। यहाँ पे फीमेल को भी मैंने पकड़ लिया है, चलो शिफ्ट कर लेते हैं इस वाले में। सो जितने दिन से ये पैदा हुए हैं इन्हें मैं पैलेट्स और अंडे खिला रहा हूँ, मतलब अभी कोई भी लाइव फीडिंग मैंने इन्हें दी नहीं है। आप लोग को अभी ढंग से ये दिखेंगे नहीं क्योंकि ये अभी छोटे हैं, इनके मुकाबले इनका साइज काफ़ी बढ़ चुका है। एक और बात बता दे रहा हूँ, मैं दो दो दिन पे इनका 25% 20-25% वाटर चेंजेस करता हूँ। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनकी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है एंड वाटर की वॉल्यूम बहुत ही कम है, सो मेरे को वो चीज़ करना पड़ता है। इसमें मैं 3-4 दिन पे करता हूँ, इस पर मैं 2-2 दिन पे करता हूँ, अब मेरे को इसमें भी करना पड़ेगा। वाओ, बढ़िया है। डे 17, और मैं इन्हें फिलहाल दे रहा हूँ क्रश किए हुए टेट्रा बीट्स, वो भी पानी में मिलाए हुए, यहाँ पे देख सकते हो, फोकस हो जा। इसमें मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है इन्हें एंड एकदम स्मूथ कर लिया है, जस्ट लाइक दूध, और इन्हें मैं पिलाता हूँ दूध। आओ बच्चे, दूध पी लो। देखो इंटरेस्टेड तो हैं ये खाने में बहुत ही ज़्यादा, सो इनको ये टेट्रा बीट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। एंड ये जैसे ही गिरता है यहाँ पे आते हैं खाने के लिए, ऐसे देने से ये आराम से खाने पाते हैं बिकॉज इनके मुंह अभी बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। सारे मम्मी पापा को हेलो बोलो। डे 24, एंड यहाँ पे ये बच्चे अब अच्छे खासे साइज में बढ़ चुके हैं, मतलब उतने तो नहीं बड़े हैं बट इनका साइज अब मॉस्किटो लार्वा और माइक्रो पैलेट्स खाने का उम्र हो चुका है इनका। सो ये है माइक्रो पैलेट जो कि मैंने पानी में भिगा लिया है, और इसे मैं ड्रॉप करूँगा थोड़ा सा। देखो अब खाना स्टार्ट करेंगे ये, इनको ये खाना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। इन्हें भी माइक्रो पैलेट्स दिया जाए, उसमें से थोड़ा सा बचा हुआ था। डे 29, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गप्पी ग्रास कैसे ऊपर ऊपर आके एकदम फैल रहा है। एनीवेज, यहाँ पे हमारी बेबीज अब अच्छे खासे साइज में आ चुकी हैं, मतलब देखने लायक साइज में, और कुछ वैसा कुछ इशू नहीं है। सो एक दो महीने और लगेंगे इनको थोड़ा सा साइज में होने में और अपने पेरेंट्स की तरह दिखने में। यहाँ पे भी हैं, भरे पड़े हैं फिलहाल, तो इनको शायद एक दो हफ्ता ज़्यादा लगेगा, बट वही सिचुएशन है यहाँ पे। एंड और भी थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें चेंजेस मेरे को करनी है, जस्ट लाइक इन दोनों में मैं भर भर के मनी प्लांट्स लगाऊंगा। एक महीने में और क्या ही देखोगे। ओए, वेलकम टू द एंड ऑफ द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड सब्सक्रिप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने मिस आउट की है इस वाले अपडेट में, जो कि मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वाले पार्ट में, यानी कि एक महीने बाद जो मैं अपडेट देने वाला हूँ उस चीज में मैं ट्राई करूंगा कवर करने का, वो सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट है इस हॉबी में
ब्रीडिंग के टाइम पे याद रखना। सो वो चीजें मैं बाद में बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो कहानी यहीं पे खत्म होता है, मिलता है नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय यार, हाथ पे पता नहीं मैंने ड्रॉइंग बना के रखा है।